खम्मा गणेश, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना मनोहर में और संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज बस आपने आई थिंक संक्रांति के लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। उसे मैंने प्रॉपर बताया था कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है। और आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी, उठने के बाद में मैंने थोड़ा किचन का काम फ्री कर दिया था, लाइक सब्जी बना दी थी, आटा लगा के रख दिया था, अब मैंने शावर ले लिया है। सो अब मैं बस लड्डू को स्नान करवाऊंगी। लड्डू को स्नान करवाने के बाद मुझे खीर बनानी है, साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, क्योंकि आज मेरा और जीजा का फास्ट है 12 का। जीजा भी आएंगे आज, उसके बाद में फिर जो भी कुछ होगा मैं आपको पूरा प्रॉपर व्लॉग आज शेयर करूंगी, कैसे क्या मम्मी पापा को कपड़े पहनाएंगे, क्या हम लोग क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो भी मस्ती मजाक जो भी करेंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, तो व्लॉग को प्लीज एंड तक देखना। आज मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, ये देखिए ये मैंने पहनी है और मैं बस रेडी हूँ। आज के दर्शन है मेरे लड्डू गोपाल के, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये इनको भोग लग चुका है दूध का और ड्राई फ्रूट का, साथ में चक्रात है तो मेरे पतंग और चरखी भी लेके आई इनके लिए। श्री गुरु चरण रज लेके प्रभु प्रचरणता चिथाधार धर्मराजी कथा शुभ कहुमति अनुसार प्राणी को फल। ये मैंने धर्मराज की कथा झेली थी, बस वही मैं पढ़ रही हूँ। बस पूजा मेरी हो चुकी है और अभी मुझे किचन में सिर्फ खीर बनानी है और खिचड़ी बनानी है, तो फटाफट वो वाला काम करूँगी। मैं नया सूट पहना तो एप्रन पहन लेती हूँ पहले, तो फिर चीज़ अभी आने वाला है थोड़ी सी देर में। बिल्कुल इतनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ ना, रेसिपी शेयर करना भूल गई हूँ। मैंने बस दूध उकाल लिया है और उसके अंदर बस चावल धो के मिला दिए हैं, थोड़े से केसर के धागे भी मिला दिए हैं, बस ये खीर बन जाए मेरी। साथ में अब की नींबू चाय बन रही है, एक तरफ मेरी खीर बन रही है, एक तरफ मैंने ये घी चढ़ाया है और हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। काम मेरा पूरा हो चुका है, सबने खाना वगैरह भी खा लिया है, बस अब जीजा के आने का वेट है। साथ में मेरा भाई भी आ रहा है क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए संक्रांति भेजी है, सो बस वो बस किस मतलब आने वाला है, उसे बोला दीदी 5 मिनट में आने वाला हूँ, तो बस मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये पापा का, ये है मम्मी का, ये मम्मी का, ये वो झाड़ू करने वाली, ये जीजा, ये फिर वापस मम्मी का। चल धोबे खुश रहो। हाँ फिर बेस्ते कर रहा था ना दिवाली पे, 500 दे रही, आज 1000 दे रही हूँ। ले पतंग उड़ा ली, ले ले ले, देखो कितनी जल्दी रख लिया इसने फटाफट। कानू महाराज आ चुके, कानू इधर, ये हमारी मैडम। हाँ सीधे लगा सकते अच्छे से, अब ना अपने मनी मैडम ने पापा बना दी होगी मूर्ति, और जितने हस्बैंड है ना उनकी वाइफ, मैं सर मैंने संकल्प करती हूँ पापा मेरी, हाँ तेरी पापा उनकी पुत्री और बना बना दी उनकी भाई, और सात बार ऐसे बाहर नहीं पूरे के ऊपर से बाहर। पानी के छींटे अब पापा मम्मी को बैठाओ, मोलो बना दो पापा के तिलक, लो पापा पकड़ो। अब पापा
और ये मैंने 12 महीने तक मतलब हर 14 तारीख को महीने की मैं एक सुहागन को चूड़ा पहनाऊंगी, ये भी मैंने झेला है। सो फर्स्ट मैंने मम्मी से स्टार्टिंग की थी, मम्मी को मैं फर्स्ट चूड़ा पहना रही हूँ, तो धर्मराज की कथा और ये चूड़ा पहनाना, ये मैंने इस बार झेला है। सो मम्मी को चूड़ा पहना के और मम्मी को मेहंदी लगा दूंगी। सकाच अमान लिबाम दक्षिणा का ए मांग की और ए भी दियो कड़ा तो मैं भाभी सा लगा लूँ है ना तुम्हारा वो पूर्व फर्ज है सुबह को सामान कंगा कपड़ा तो बस साबुन मत वाले ये जीजा ने पिछली बार जेठूती को साबुन झिलाया था, मतलब हर महीने की 14 तारीख को साबुन देते थे, तो ये अब उनका दे रहे उद्यापन किया है। वो तो बोलो खा लगभग सामान केक वगैरह माजा नमकीन चिप्सा ये सब है, ये मैं हैंडल कर लूंगी, मैं आएगा तब दे दूंगी। तेरे पास रहेंगे बड़ी बड़ी खा मत जाना दे दीदी जान जीजा ना जूता बिल्कुल लटका बन्नू के चप्पल ना दे के सुन की जी जूता यहाँ कहेगी जीजा के मैं ले ली बन्नू के अब आप ब्याह कर देखे और पीसा मतलब फिर छोटा हुआ ड्रेस ये सब सामान मेरी मम्मी ने भेजा है मेरी संक्रांति के लिए, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, और अब मैं नहीं डालती तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। देखिए तो मम्मी ने खाने पीने का सारा सामान भेजा है, नमकीन बिस्किट टोस्ट, मतलब हमारे उधर ही खाने पीने का बहुत सामान भेजते हैं, तो ये मम्मी ने सारा सामान भेजा था। फिरनी थी, तिल के लड्डू थे, गज्जक थी, और ये चावल है, सूजी है, पापड़ थे, चिप्स थी, मूंग थे, मतलब बहुत सारा सामान था खाने पीने का, गुड़ है, और ये क्या है, ये गज्जक है, और मतलब रेवड़ियाँ थी, अलग अलग तरह के चिप्स थे, पापड़ है। और ये देखिए ये कपड़े भी मम्मी ने भेजे हैं। ये जो सूट है ये मम्मी जी का भेजा है, मम्मी ने सूट भेजा है, और साथ में शॉल भी भेजा है मम्मी के लिए, और ये सूट मेरा है, और ये देखिए साथ में ये ग्रीन की तो प्यारा ना, और साथ में चूड़े हैं, और ये मम्मी ने मेरे लिए रकम भी भेजी है सोने की, मेरे कान की बालियां भेजी थी मम्मी ने, मुझे चाहिए थी। ये देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, देखिए नई चीज़ आते ही अपन को तो वेट होता नहीं है। चप्पल भी लेके आए भाई, बर्थडे पे पहनाएंगे, अब बर्थडे पता है यार आप तो 24 तारीख को आ नहीं सकते, ये लड्डू का लंच खीर, और ये हमारा आज फास्ट है तो हम साघार करने बैठ गए हैं, चाय बनानी थी बट दूध नहीं मिला, मैंने पूरे दिन की खीर बना दी। ये बता दे साघार क्यों कर रहे हैं, क्या चीज का फास्ट है, क्या आज का नहीं है भुजिता की बारिश से उसका फास्ट। हाँ, और भुजिता कौन है लोग पूछेंगे, अब हमारे ये हमारे कुलदेव, मतलब कुलदेवी नहीं है, मतलब हमारे देवता है, उनको बहुत मानते हैं। तो ये लोग खा रहे हैं अभी खिचड़ी, ये रहे काके साथ मुँह में घुसा देता, ये रहा मैं, हेलो, ये रही मेरी मम्मा, ये भी खा रहे खिचड़ी, ये लड़ रहे दोनों जने, मास्क मैं लेके आगे लगा के घूम रहे हो ना ये लड्डू जी यहाँ बैठे हैं पतंगे उड़ाने के लिए, लड्डू भी आ गए हैं साथ में, हम लोग ये देखिए हमारे प्लेयर सारे हम आ गए हैं, हमारे पतंगे लूट रही है बेचारे बच्चे उड़ा रहे, उनके तोड़ रही है, और फिर सद्दा मंजे इकट्ठा कर रही है ये दोनों भाई ये
अल्लाह बदलिए वहाँ बदलिए ये पतंगों के लिए लड़ते हुए हवा ही नहीं आ रही। हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं कोशिश, पर उड़ा रहे हैं कैसे कैसे करके। और व्रत था तो भूख भी लग गई थी पतंग उड़ाते उड़ाते। थोड़ा फलाहार मंगवाया था हमने। मैं इनके खाने का तरीका बताती हूँ। ये खा रही थी, क्या था ये? फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट क्रीम। तो बोल रही आधी खा ली, फिर बोल रही अच्छी है बाद में खाऊंगी। बोले अच्छी नहीं होती तो मैं पहले सल्टा देती। खाती जरूर। हाँ, पकाती जरूर, अच्छी हो या ना हो। और बस अभी मैं नीचे आ गई हूँ, चेंज करूंगी यार, क्योंकि नया सूट है और खराब हो जाएगा। बस किचन में जाएंगे मैं और जीजा, मैं तो चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद में आज हमने सोचा कि हम पाव भाजी बनाएंगे। सो बस अब हम लोग उसकी तैयारी करेंगे, साथ में पकौड़ियाँ बनाएंगे, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच माय लव, कितने अच्छे होती। थैंक यू सो मच। ये हमारे बलून आ गए हैं, साथ में हमारी लालटेन दिखा ना, ये हमारी नाइट के लिए दिखा दो। ये सारे लालटेन्स हैं जो कि रात को ही काम आएंगी। उसके अलावा ये देखिए हमारी किचन का हाल देखो आज। किचन पूरा घर दिखा देने लगी। हाँ, पूरा घर हमारा आज ऐसे हो रहा है। देखो जीजा कहाँ लगा दी इन्होंने। काकू वापस ही हुए तो अपने के दाता लेते ना। रुको करते, पहले डायरेक्ट हरी मिर्ची डाली है ना, बिना ऑयल घी के। अब इसमें डालेंगे आलू। मैंने वो रेसिपी शेयर करती। रेसिपी मैं ऐसे बता देती हूँ ना। सबसे पहले अपन ने शिमला मिर्च डाली, फिर अपन ने वो जो मटर उबाले थे वो डाल दिए, फिर जो अपन ने आलू उबाले थे वो डाल दिए, देन फिर उसके बाद में टमाटर डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, वो उसको थोड़ी सी देर पकाया, मिक्स किया, देन ऊपर से एक आधा बटर, ये वाला जो होता है ये आधा बटर, ऊपर से फिर नमक, पाव भाजी मसाला, ये डाल के अब अच्छे से मैश कर रहे हैं इसको। फिर अब छौंका लगाएंगे प्याज डाल के। स्टार्ट कर दिया। कभी से बनाना ही नहीं, तो हम बनवा ही नहीं जब मैं। और ये देखिए मम्मी ने जो शॉल भेजा था, मम्मी जी ने ओढ़ लिया और सूट निकाल लिया सिलवाने के लिए। अभी बस हम लोग ऊपर जा रहे हैं लालटेन के लिए, और हम सब काले काले आ रहे हैं। चलो ऊपर चल के बनाएंगे काले काले। इसके ढोड़ देखो सुबह क्या थे, अब क्या हो गए। हम अभी भी वैसे ही हैं, स्ट्रांग। हम ये फालतू की बार बार ड्राई क्लीन ही करते, नेचुरल है जो है। आप जाओ उधर। क्यों? पापा हटो। ये कई बहुत बोली लाइटिंग कौन सी आती है, कई लोग लिख लिख के भी। इट्स टाइम टू पिंकी। पिंकी का लालटेन ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? पिंकी की लालटेन आ गई है। पिंकी
मेरे बना मेरे लिए मैचिंग की लेकर के हाँ। पर डार्क लेके आए थोड़ा बना वो जल भी सकता है ऊपर छोड़ोगे तो बनाऊंगी मैं तुम्हें कानू छोड़ तू छोड़ आप ऊपर पकड़ के रखना गया नीचे देखो ऊपर आते ही बना हाँ आने तो दो अच्छे से तू कितनी छोटी सी बोल गया कितनी छोटी सी गया अब मेरा टर्न आ गया है पिंकी ने पिंकी जला लिया अपना और खराब भी कर लिया पिंकी ने अपना सबको बताना जरूरी है तो गया ना खराब का कर लिया हाँ मतलब अभी उड़ गया देख कितना शानदार गया मेरा ये देख दिखाया है मैं रिश्ते के भी ऊपर आ सकता हूँ और भैया ने भी अपना उड़ा लिया अब हमारा टर्न है मेरी मम्मी ने और मेरी काकी सर ने बहुत मेहनत करी पाव भाजी बनाई है आज और पकौड़िया भी बनाई सब्जी बनाई बहुत मेहनत करी मेरी मम्मी ने बेइज्जती कर रहा मम्मी लोग काकी सर आज ही गली डली नहीं करनी दिल्ली मम्मी थोड़ी करती है तो दिल्ली कौन करता है सपना आंटी नहीं सपना आंटी को उठा दिया आगे पाव रख दो मैं सुन पेज बढ़ा ना बेड़े के तुम्हारे पूरे थोड़ी सी ये चम्मच निकाल ले इसमें से थोड़ी पाव डाल दो इसमें से ये हमने सारा सल्टा दिया हमने कुछ नहीं छोड़ा है जो भी खाना था ना हमने सारा फिनिश कर दिया है हम डस्टबिन हमारे घर के आने दो और अब भैया देखो इतनी ठंड हो रही है पर हमको जबरदस्ती आइसक्रीम खिला रहे हैं खाने के बाद आइसक्रीम खानी चाहिए देखो पहले करो पापा बोल रहे हैं लाइट दो दो हाँ ठीक है अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और हम अपना ब्लॉग भी यहीं एंड कर रहे हैं होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग और एक महीने के बाद में हम लोग डेली रेगुलर ब्लॉग में आपको साथ में देखने को मिला करेंगे बाय